से पकौड़ी वाली कढ़ी। तो वैसे नॉर्मली हम लोग बेसन की पकौड़ियाँ बनाते हैं कढ़ी में, और आज मैंने ये चने की दाल की बनाई है। तो ये बहुत ही देखिए सॉफ्ट और टेस्टी बनती हैं। ये पकौड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो आइए इस टेस्टी सी डिश को बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने ली है ये चना दाल। तो ये मैंने आधी कटोरी चना दाल ली थी, इसको मैंने सोक कर लिया था 5-6 घंटे के लिए और इसका पानी निकाल दिया है मैंने। इसको धो के अच्छे से रख लिया है। अब इसका हमें पेस्ट बनाना है। इसको हम बारीक बारीक पेस्ट बना लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ये हींग और थोड़ा सा जीरा। थोड़ा सा मैं जीरा डाल दे रही हूँ और इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये चने की दाल से हमें पकौड़ियाँ बनानी है। आज हम चने की दाल की पकौड़ी की कढ़ी बनाएंगे और ये बहुत ही अच्छी टेस्टी कढ़ी बनती है। काफ़ी ट्रेडिशनल डिश है और पहले के टाइम में यही कढ़ी बनती थी। तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको हमें अच्छे से सबको मिला लेना है, जिससे नमक जो है वो अच्छे से दाल में मिक्स हो जाएगा। और इसकी अब हमें पकौड़ियाँ बनानी है। तो कुछ नहीं करना है, दाल को फेंटना इतना नहीं है आपको ऐसे ही, क्योंकि जो पकौड़ी है वो कढ़ी में पकेंगी अच्छे से। तो जितना भी कढ़ी का जो जितना टेस्ट होता है वो पकौड़ियों में जब हम डालेंगे पकौड़ी कढ़ी में तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और पकौड़ियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो ऑयल मैंने देखिए गरम कर लिया है और हम साइज़ आप जैसा भी छोटा बड़ा करना चाहें वैसी पकौड़ी आप बना सकते हैं। और ये देखिए मैं छोटे छोटे साइज़ की गोल पकौड़ी इसमें डाल रही हूँ। वैसे हम लोग हमेशा जो कढ़ी बनाते हैं उसमें बेसन की पकौड़ियाँ डालते हैं। आज मैं बेसन भी चने के आटे का ही होता है और ये आज हम चने की दाल से बना रहे हैं। ये भी कढ़ी आप बनाकर प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और बहुत ही टेस्टी ये भी बनती है, काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं होगा और आपको उससे ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये देखिए हमने सारी पकौड़ी इसमें डाल दी है एक बैच में जितना भी निकले, और जब ये एक साइड से अच्छे से पक जाए उसके बाद इसको पलटें, नहीं तो करछी में दाल थोड़ा सा चिपकेगी। बाकी ये सिकने में बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं और जब आप इसको आप कढ़ी की ग्रेवी में डालेंगे तो ये उतने ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इनको हम पलट के अच्छे से सेक ले रहे हैं। तो सारी पकौड़ियाँ ये देखिए मैंने पलट ली हैं अच्छे से, दूसरी तरफ से भी इनको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनती हैं खाने में। आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो ये सारी पकौड़ियाँ देखिए हमने पलट के दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर ली हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो करछी थोड़ा ऐसे साइड में लगा लें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही रह जाए, और ये पकौड़ियाँ हम निकाल कर रख लेंगे। तो पकौड़ी हमें जितनी दाल उसमें कढ़ी में डालनी है उतनी ही दाल की बनाएंगे, बाकी आप रख के बाद में बना सकते हैं या आपको अगर ऐसे नाश्ते में पकौड़ी खानी हो तो आप बना के खा सकते हैं। मुझे कढ़ी में जितनी डालनी मैंने उतनी बना ली है। अब हम कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये पकौड़ी बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम सबसे पहले बनाएंगे कढ़ी का बैटर, जो मिक्सचर बनाना होता है। तो वो दाल वाला बाउल मैंने लिया है, इसमें मैंने ये लिया है दही। तो ये खट्टा वाला दही है, इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। तो ये पतला होता है, खट्टा रहता है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन। तो कढ़ी की क्वांटिटी अगर आपको ज़्यादा बनानी हो तो बेसन और दही आप ज़्यादा ले लें। मुझे 4 लोगों के हिसाब से बनानी है, कम क्वांटिटी बनानी है तो मैं उसी हिसाब से ले रही हूँ। तो ये 250 ग्राम दही था और उसमें मैंने 2 चम्मच ही बेसन डाला है, बड़े वाले चम्मच थे, और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो इसको मैं मिला ले रही हूँ। तो देखिए पूरा जितना भी बेसन था वो इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है।
बस इसको अब हम मिक्स करने के बाद रख देंगे साइड में। अब हम लेंगे कढ़ी बनाने का मसाला, जो हमें मसाला डालना है। तो ये मैंने लिए, देखिए, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है मैंने, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और ये मैंने लिए है मेथी और हींग। तो कढ़ी में जो तड़का है वो हम मेथी और हींग से देंगे, और यहीं पे आप सूखी लाल मिर्च डालना चाहें तो लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो ऑयल मैंने वही लिया जिसमें हमने पकौड़ी फ्राई की थी। आप किसी भी बर्तन में कढ़ी बना सकते हैं, मैंने ये बड़ी कढ़ाई ली है, आप चाहें तो भगोने में बना सकते हैं या कुकर में भी बना सकते हैं। थोड़ा बड़ा बर्तन होगा तो उसमें आपको चलाने में आसानी रहेगी और इवेनली कुक होगी आपकी कढ़ी। तो ये मैंने 2 सूखी लाल मिर्च रखी हुई थी, हरी मिर्च जो सूख जाती है घर में वही मिर्च मैंने डाली है। और ये मसाला जो मैंने लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इस सारे मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मैं मिला ले रही हूँ इसको। इसके बाद इसको हम डाल देंगे कढ़ाई में, और देखिए ऑयल अच्छे से गर्म है, और इसको हमको ऐसे बस तो 2-4 सेकेंड के लिए ऐसे पका लेना है। इसमें बॉईल अच्छा सा आ रहा है। अब जो हमने बैटर बनाकर रखा हुआ है उसको हम डालेंगे। ये थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है इसमें, जिससे ये चिपके नहीं मसाले, और बस इसमें थोड़ा सा बॉईल आने देंगे हल्का सा। तो ये देखिए अच्छे से इसमें बॉईल आ गया है 2-4 सेकेंड में ही, और गैस की जो फ्लेम है उसको हाई ही रखा है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने कढ़ी का बैटर बनाने के लिए जो बैटर बना कर रखा हुआ है, ये पूरा मिक्सचर हम कढ़ाई में डाल देंगे इन मसालों में। और अभी मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रही हूँ, इसको हम मसाले में मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हाई ही रखेंगे। अभी इसमें हमें एक बॉयल आने देना है, जिससे ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा, और इसको आप चलाते रहें जिससे जब ये गाढ़ी होती है तो नीचे लगे नहीं बिल्कुल भी, लगेगी तो फिर इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको मसाले को अच्छे से नीचे से चला दिया है। अब 5 मिनट का वेट करेंगे जिससे इसमें बॉईल आने लगे, और बॉईल आके आपको सडनली लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो रही है, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए ये थिक होना स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी हो रही है। अब इसी स्टेज पे हमें इसमें पानी मिलाना है। तो जो बाउल मैंने लिया था जिसमें मैंने इसका मिक्सचर बनाया था, वही बाउल भरकर मैं इसमें 1 बाउल पानी डाल रही हूँ। तो आपको कढ़ी जैसी भी अच्छी लगती हो, अभी आपको इसे पकाना है, गाढ़ी ये बाद में होगी, पहले इसमें पानी डाला जाएगा और इसको काफी अच्छे से पकाना होता है। ये देखिए ये बिल्कुल पतली हो गई है, इसमें कोई भी थिकनेस नहीं है, और बीच बीच में आप इसको चलाते रहें, अभी हाई फ्लेम ही रहने दें जब तक इसमें अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता पानी डालने के बाद। पानी डालने के बाद अगर बॉईल आ जाए उसके बाद आप इसको चला दें बीच में, फिर आप गैस की फ्लेम को लो कर दें और मीडियम आंच पे भी आप इसको कुक होने दें। तो कम से कम आधे घंटे इसको कुक करें, और ज़्यादा भी कुक कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा पतली लग रही हो, आधे घंटे में ही अच्छे से कुक हो जाएगी। ये देखिए इसको बीच में मैं चला दे रही हूँ, और अभी इसमें बॉईल नहीं आया है, अभी सिर्फ ऐसे हल्का हल्का गर्म हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने नीचे चला दिया जिससे सारे मसाले जो हैं वो नीचे जाकर बैठ ना जाएं। तो इसको देखिए अच्छे से हम मिक्स कर दे रहे हैं, सारी चीजें इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। और अभी देखिए बिल्कुल पतली लग रही है, जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसमें बॉईल देखिए कढ़ी में आने लगा है, 6 से 7 मिनट ही हुए हैं, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और इसमें हमें पकौड़ियाँ अभी इसी टाइम पर डाल देनी है, क्योंकि जो पकौड़ी है वो कढ़ी में अभी पकेंगी, इसलिए हम इसको अभी डाल देंगे, उसके बाद हम कढ़ी को पकने देंगे। हम इसको हम देखिए चला दे रहे हैं अच्छे से,
अभी ये बैटर में पकौड़ियाँ पकेंगी तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी पकने के बाद। तो साइड से जितना भी जो लगा हो तो उसको आप ऐसे हटा लें, इससे ग्रेवी जो है इसकी कड़ी की इवनली कुक होती रहे, कहीं भी थिक या थिन ना हो। तो देखिए कड़ी में अच्छा सा बॉईल आने लगा है। अब यहीं पर हम गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम पर, और मीडियम आंच पर इसको हम पकने देंगे 30 से 35 मिनट के लिए। धीमे धीमे आंच में ये पकेगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो ऊपर से इसमें आप करी पत्ते से भी या लाल मिर्च से या राई से तड़का लगा सकते हैं। मेरे यहाँ ये ऐसे ही पसंद की जाती है तो इसमें कोई एक्स्ट्रा तड़का नहीं लगेगा। तो ये देखिए कड़ी हमारी आधे घंटे तक पक चुकी है। इसमें थिकनेस देखिए कितनी आ गई और क्वांटिटी भी कम हो गई है इसकी। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, तो देखने में ये अच्छा लगने लगता है और धनिया से एक अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो बस मुझे इसको इतना ही पकाना है क्योंकि अभी ये ठंडी होगी तो और थिक होगी। और मैं आपको दिखा दे रही हूँ पकौड़ियाँ कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए ये फ्लफी हो गई हैं और कड़ी को अच्छे से अब्सॉर्ब किया है पकौड़ियों ने। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट पकौड़ी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए पूरा ग्रेवी जो है कड़ी की अंदर तक इसमें भर गई है और ये बहुत ही जूसी बनती हैं, बहुत खाने में टेस्टी लगती हैं। तो प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी में। तो ये देखिए मैं सर्व कर दे रही हूँ इसको। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो खाते रहिए, खिलाते रहिए, खुश रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।